हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हाउसवाइफ। इस वीडियो में हम आई मेकअप करना सीख रहे हैं। जो फुल मेकअप का ट्यूटोरियल है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आई मेकअप कर रही हूँ और एक बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है जो कि आप कहीं भी, इनफैक्ट आप ऑफिस जाते हो, किसी छोटी मोटी पूजा फंक्शन, मार्केट, कहीं भी जाते हो तो आप ये आई मेकअप कर सकते हो। आई मेकअप का सबसे पहला स्टेप आई बेस होता है, आईज़ को कंसील करना होता है। तो आईज़ को कंसील कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्रायलॉन का डर्मा D5 से। जो कलर है आपको, मतलब शेड नंबर है, वो आपका जो स्किन टोन होगा ना, उससे एक या दो टोन लाइटर आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना है, चाहे तो स्किन कलर, जो आपका स्किन कलर है वो कलर भी ले सकते हो। पर अगर आप थोड़ा लाइट शेड लेते हो ना, तो जो भी आप कलर यूज़ करोगे वो थोड़ा उभर के दिखता है। तो इसलिए एक से दो टोन लाइटर कंसीलर जो है आपको आई लिड पर लगाना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैं यहाँ फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, और फिंगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। फिंगर का यूज़ करके मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब इस पर मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी। लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट कुछ भी आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह के लूज़ पाउडर से आप इसे कंसीलर को सेट कर लीजिए। और एक बात, यहाँ मेरे प्रोफेशनल ब्रश या प्रोफेशनल प्रोडक्ट हैं, आप कहेंगे तो मैं एकदम शॉर्टकट, जो आपके पास एक सिंपल सा फाउंडेशन भी है ना, एक सिंपल सी आई शेडो पैलेट भी है ना, उससे भी मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए प्लीज़, मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दूंगी एक बार। लेकिन मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका कुछ रिस्पॉन्स है भी कि नहीं, आप लोग पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। तो अभी देखिए, आपने देखा मैंने पाउडर लगा लिया दोनों आईज़ पे। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो को मैंने एकदम स्लो कर दिया है, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले ब्रश पे मैंने एक न्यूट्रल कलर लिया है। कलर्स का जो डेफिनेशन है, कौन सा कलर कब लेना चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए, सिंपल सा एक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर मैंने लिया है, ब्रश की टिप पे उठाया है और जहाँ से आपने देखा ना स्टार्ट किया, एकदम कॉर्नर से इस ब्रश को लिया है और आगे की तरफ मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ धीरे 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 धीरे। वीडियो को स्लो किया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि ब्रश की मूवमेंट क्या है। अब आप देखिए, ऊपर की तरफ इसको फैला रहे हैं हम, और मेरा ये जो ब्रो बोन है, आप देख रहे हो ब्रो बोन ज़्यादा है मेरा, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर तक लेके जा रही हूँ। सिंपली इसे कहते हैं क्रीज़ को डिफ़ाइन करना। तो सबसे पहले हम क्रीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ब्रश कैसे घुमा रहे हो आप देखिए। अब देखिए, जब ब्रश में प्रोडक्ट ख़त्म हो गया ना, आपको लग रहा है कि ब्रश में प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, तब ये ब्रश मैं आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। ब्रश में प्रोडक्ट ख़त्म हो गया मतलब ये भी नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है, उसमें कलर अभी भी है। तो वो लाइट सा जो कलर है ना, उसी को आगे लेके जाना है। अब देखिए ख़त्म हो गया, अब फिर से प्रोडक्ट लिया थोड़ा सा, उसको झाड़ना ज़रूर है। ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं जितना कर पाई उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी अच्छे से आपको हर एक स्टेप अच्छे से, और इससे भी ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए, प्रोडक्ट लेने के बाद ब्रश हमने वहीं पर रखा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहीं पर रखा और फिर ब्लेंड करते हुए आगे की तरफ लेके गए। एकदम ज़रा सा ही प्रोडक्ट जब होगा ब्रश में, तो आगे की तरफ लेके जाना है। अब ध्यान रखिए, क्योंकि आप डे मेकअप कर रहे हो, लाइट मेकअप कर रहे हो, एकदम ब्राइट कलर नहीं उठाना है और ब्राइट कलर को पिक करके ब्लेंड नहीं करना है। ये बस हल्का हल्का ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ से आपने कलर उठाया है और यहाँ लगाया है। एक आईज़ पे हो गया, अब दूसरी आईज़ पे मैं स्टार्ट किया, तो देखा आपने फिर से कॉर्नर से, जो आईज़ का आउटर कॉर्नर है ना, वी कॉर्नर, वहाँ से स्टार्ट किया है और फिर ब्लेंडिंग की है। अभी वीडियो को फास्ट किया है, नॉर्मल स्पीड में, फास्ट नहीं किया है, नॉर्मल स्पीड में है, ये नॉर्मल स्पीड। अब आप ध्यान दीजिए, क्रीज़ पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं, एक खास लाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। और जब मुझे लग रहा है कि हाँ, अब ब्रश में प्रोडक्ट ना के बराबर है, तो इसे आगे लेके आ रही हूँ। प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, फिर से उठाया, बस वहीं पे स्टार्ट एकदम कॉर्नर से करना और फिर उसे ब्लेंड करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। मेरा ब्रो बोन, मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बड़ा है, तो इसलिए मैं क्रीज लाइन, ऐसी आईब्रो, ऐसी अगर आंखें हैं तो क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको ब्लेंडिंग करनी चाहिए। ये दूसरी आईज में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ और दोनों को इक्वल कर रही हूँ। चेक कर लेना कि हाँ, दोनों में ब्लेंडिंग इक्वल हो चुकी है, दोनों का कलर जो है, दोनों आईज में जो कलर है वो इक्वल है। अब देखिए, एक शीन लिया है मैंने, लाइट सा शीन। शीन मतलब जिस आई शेडो में थोड़ा चमकीला चमकीला सा होता है ना, शाइन होती है, वैसा एक कलर है, क्रीम कलर और सिल्वर का मिक्सचर है। उसको मैंने फिंगर से ही लिया और अप्लाई कर लिया है। आई लिड आपका टारगेट होना चाहिए, आई लिड पे लगाइए, फिंगर को आई लिड पे रखना और फिर आगे की तरफ से ब्लेंड कर देना और ऊपर जो आई शेडो उसके साथ मर्ज कर देना है। अब ब्रो बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैंने छोटा सा ब्रश लिया है। देखिए, ब्रश भी बहुत मैटर करते हैं, आप कहाँ पे क्या ब्रश यूज़ कर रहे हो, ब्रश की नॉलेज में आपको
आने वाली वीडियोस में दूंगी। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हैं। तो ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए जो आपकी आईब्रो का एकदम हाई पॉइंट है ना, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ब्रश को वहीं पर रखिएगा क्योंकि प्रोडक्ट ब्रश में शुरू में एकदम ज़्यादा ही होता है। तो हाई पॉइंट पर रखा और पीछे की तरफ ब्लेंड करके ले गए, और फिर जो प्रोडक्ट बचा उसे मैं आगे की तरफ ले जा रही हूँ। बहुत लाइट ब्लेंड किया, क्यों? क्योंकि वही मैं डे मेकअप है और बहुत लाइट मेकअप चाहिए मुझे। तो एकदम से आप ज़्यादा आगे से ले जाओगे ना, तो फिर आप उसको मिटाते रह जाओगे, फिंगर यूज़ करते रह जाओगे। इसलिए ध्यान देना आपको कि ब्रश पर जब भी आपने प्रोडक्ट उठाया तो आपके आईब्रो के आर्क का जो हाई पॉइंट है वहाँ पर आप रखना, पीछे की तरफ ले जाना ब्रश, और फिर जो प्रोडक्ट बचेगा उसे आगे की तरफ ले जाना है आपको। तो ये था आई मेकअप का बेसिक। आप एकदम बिगिनर्स हो, एकदम नए हो, तो ये आपका बेसिक आई मेकअप है। डे में आप मार्केट में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी आप इस तरीके से कैरी कर सकते हो। बाकी अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो लाइनर आपकी मर्जी है, पतला लगाना है, विंग लाइनर चाहिए, कैसे चाहिए कैसा नहीं चाहिए वो आपके हाथ में। तो यहाँ पे मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। लाइनर यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर यूज़ किया है, एकदम बेसिक स्टार्टिंग जो आपका लैक्मे की स्टार्टिंग रेंज होती है 100 या 150 के बीच में ऐसा कुछ आता है, वो लाइनर यूज़ किया है। तो आपको, आप चाहे तो यहाँ जेल लाइनर काजल से करना चाहते हो लाइनर, काजल से क्रिएट कीजिए, जेल लाइनर अप्लाई करना चाहते हो जेल लाइनर, बहुत सारी टेक्निक है। कैसे भी अपना लाइनर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए। बाकी अलग अलग टेक्निक्स के साथ आई लाइनर, आई शेडो से, जेल लाइनर से, काजल से, जो आपकी काजल स्टिक होती है, इवन जो घर पर बना काजल होता है उससे भी आप लाइनर लगाने की टेक्निक सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, तो आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम फ्लैट ब्रश लिया है। आप चाहे तो एंगुलर ब्रश का यूज़ कर सकते हो, अपना नॉर्मल, अगर आपके पास पेंसिल ब्रश बिसल अच्छे होने चाहिए बस उससे भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रश से आई शेडो मैंने इसमें लिया है, ब्रो पैलेट भी है, आप चाहे ब्रो पैलेट यूज़ करो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी आई शेडो में से डार्क ब्राउन कलर लिया था, एकदम डार्क ब्राउन, उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना आपको आईब्रोज़ पे, बहुत ड्रामेटिक लगता है। और लास्ट में स्पूली से, या आपके पास मस्कारा अगर ख़त्म है तो उसका ब्रश आप रखिए संभाल के, उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ मैं जानती हूँ कि आप इतने सारे ब्रशेस क्यों खरीदोगे, तो जो है उसी में जुगाड़ करो। मस्कारा का खाली ब्रश लेके उससे आईब्रो को अपनी कॉम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जहाँ अनइक्वल स्प्रेडिंग है ना, मतलब जहाँ आप बराबर नहीं लगा पाए हो, तो इससे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, पूरा मर्ज हो जाएगा आपस में। अब लास्ट में यहाँ मस्कारा लगा रही हूँ। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं आगे लेके आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डिटेल से मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और पल्ले कुछ नहीं पड़ा, या फिर जब ट्राई करने जा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक बार मेरी वीडियो देख के आप ट्राई कीजिए, आप कर लेंगे। तो ये था मेरा फाइनल लुक विद बेस मेकअप का जो वीडियो है वो मैंने, मतलब फुल फेस का जो मेकअप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। ब्यूटिशियन कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स, या घर पे मेकअप कैसे करना है कैसे नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो पहले आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना हमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है कि हाँ हमारी वीडियोज़ देखने में कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ गाइस कमेंट करके जरूर बताएँ कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलती हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, आपकी कमेंट के साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।